भारतीय किसान यूनियन के किसान सुब्रत अनिल सिंह पिंटू ने मध्य प्रदेश सरकार से एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि रबी की बोनी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम बीज निगम में बीज खत्म हो गया है, बीज तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। किसान बीज के लिए बीज निगम आ रहे हैं और निराश होकर लौट रहे हैं। बीज निगम आए बीज लेने निर्भय सिंह झलवार गंगा प्रसाद विश्वकर्मा कोठी ने बतलाया बीज के लिए भटक रहे हैं। केंद्र की सरकार एवं प्रदेश की किसानों की आय दुगनी करने के बयान दे रही है, पर खाद संकट, बिजली संकट अब और बीज संकट सामने आ रहा है। ऐसे में किसानों किसान की आय दुगनी, खेती होगी लाभ का धंधा। कृषि विभाग के ऑफिस में बैठकर बोनी के रकबे की जानकारी, इतने एकड़ में बोनी का लक्ष्य बयान, पर्याप्त खाद बीज है, फिर भी किसान सौकिया भटक रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम का ये प्रक्रिया केंद्र रीवा है। हमें किसानों से सूचना मिली कि यहाँ पे बीज नहीं है। आप सोच सकते हैं, रबी की बोनी का सीजन चल रहा है, यहाँ पे गेहूं का बीज नहीं है, यहाँ पे चने का बीज नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय अपने यहाँ के केंद्रीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तत्काल हमारे यहाँ प्रक्रिया केंद्र में बीज की उपलब्धता कराई जाए। मध्य प्रदेश सरकार के उत्पादन आयुक्त महोदय जी ने जो बीज उत्पादित बीजों का मूल्य निर्धारण किया है, उनमें पुनर्विचार करें। गेहूं का जो इन्होंने बीज उत्पादन बीज का प्रथम माने अंतिम भुगतान निर्धारित किया है, वो पूरी तरह से अप्रासंगिक है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि गेहूं का समर्थन मूल्य कितना था, ये नहीं देखा गया है। गेहूं किसानों से बीज उत्पादित बीज ले लिया जाता है, लेकिन बीज उत्पादित बीज किसानों को देने के मूल्य पर भारी अंतर रखा जाता है। मैं अब केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जो उपार्जन दर निर्धारित की गई है, तो कृपया उनका अवलोकन करें, उपार्जन और विक्रय दरों को देखें, उपार्जन दर बढ़ाई जाए एवं विक्रय दर कम की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान अब बीज निगम से अपना नाता तोड़ने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य के बराबर भी उन्हें बीजों का मूल्य नहीं मिल पाता। आज मैं बीज निगम आया हूँ, जो गेहूँ चना के बीज यहाँ उपलब्धता नहीं है, एक भी एक दाना नहीं, कम से कम 50 किसान आज आके लौट गए। मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, यहाँ तत्काल बीज और खाद उपलब्धता करवाए। मंडी में डबल लाख में खाद भी नहीं है, डीएपी एक भी बोरी नहीं मिल रही है, किसान त्राहिमान त्राहिमान कर रहा है। और हम लोगों का गेहूं का जो उचित मूल्य यहाँ हम लोग बीज के लिए दिए थे गेहूँ, आज तक अंतिम भुगतान नहीं किया गया। वो भी अभी बताया गया, मैं आया यहाँ तो बोले कि 2150 रुपए बना, जो समर्थन मूल्य के बराबर हम लोग बीज का दिए हैं, कम से कम 3300 से 3400 रुपए क्विंटल होना चाहिए। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि हम लोगों का उचित भुगतान किया जाए बीज निगम द्वारा। कोठी से बोल रहे हैं, यहाँ बीजों के अंत में बीज लेने आए थे, उसके बीज है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। अब बताइए किसान लोग कहाँ जाए, सीमा से निवेदन के बीज जमाने की बात किया जाए। हम झलवार से आए, ग्राम पोस्ट झलवार, जिला रीवा, निर्भय सिंह नाम है। वहाँ बीज आन तो 4-5 बोरी ले, तो यहाँ बीज है ही नहीं।